अब ये जो मार्क्स हैं ये और देखते हैं जल्दी से किसके कितने आए, फिर करते हैं अभी रेट लॉ को ही बोलते हैं। बस भैया लोग बात बात में
रेट लो को ही बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन और इसी को बोलते हैं रेट इक्वेशन। ये तीन नाम है इसके, ठीक है। कल की क्लास में बताया था कि जो रेट है जैसे ए बी सी डी, तो जो रेट है ये लोग कह रहे हैं कि यार जब दोनों की वैल्यू बराबरी आनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी है, तो हम दोनों पे क्यों कंसंट्रेट करें, एक से यहां से निकालो ना। तो ये एक से यहां से निकालने के लिए यहां पर आ गया आपका, ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट be equal to the value of stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, कहने का मतलब हिंदी में सिर्फ एक ही बात है, a और x की वैल्यू b और y की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती, डिपेंड किस पे करेगा, बोलो भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये x और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं। आंसर है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ही डिसाइड करेगा, आंखों से देखकर आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर a लिख दो यहाँ से b लिख दो, यानी थियोरेटिकल नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली आप देख के बताओगे। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटली कैसे देखें, तो वो पूरा सेटअप मैं एक्सपेरिमेंट का दिखाऊंगा उसको कैसे देखते हैं। अच्छा, रेट को अगर मैं बराबर कर दूं तो यार नया एक आता है कांस्टेंट k, a की पावर ऐसी की ऐसी है, b की पावर ऐसी की ऐसी है, तो बताओ इस k को क्या बोलते हैं। आंसर है इसी का नाम है रेट कांस्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट ये लॉ नहीं है उतना इंपॉर्टेंट रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया कैलकुलेट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, बच्चों ने क्या करा रेट कैलकुलेट ये कर दिया, तो पूछ रहा के बारे में निकाल दिया रेट, हो गया गलत। और हम इसी संडे को करेंगे नीट मेंस के क्वेश्चन, तो उसमें इसको वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तीन नाम है इसके। अब लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करें भाई, लॉ तो लॉ को आराम से इससे डेफिनेशन बना सकते हो लॉ की, नॉर्मली रेट लॉ को लिखते तो ऐसे हम, लेकिन डेफिनेशन इससे आराम से बनी पड़ी है। रेट लॉ इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो आगे समझ में, अब एनसीआर इसमें नोट्स मार दो और डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन क्या है, रेट लॉ मिल गई डेफिनेशन सभी को, ध्यान से देखते रहना। इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट is given in term of molar concentration of reactant with each reactant, each concentration of reactant raised to some power which may or may not equal to the stoichiometric coefficient in the balance reaction। बोलो भाई समझ में आया कुछ, ये हो गया। और उसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, k की वैल्यू लिखनी है, खेल खत्म, पूरा रेट लॉ खत्म यहां पर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है x और y को हम फिर कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाया गया है और ऐसे कैलकुलेट होगा वो, तो ये अगला टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाए, और अगर वो सीख गए तो 12 न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे चलते रहेंगे, एक हो गया तो 11 रह गए न्यूमेरिकल, तो पहला न्यूमेरिकल 12 में से ये है। आपको इक्वेशन दे दी गई है 2NO plus O2 will give you NO2 और आपसे कह रहे हैं कि रेट लॉ बताओ क्या होगा, तो रेट लॉ क्या होगा बोलो, NO की पावर नहीं लिख सकते ना आप, तो वही गलती कर रहे हो, थ्योरेटिकली देख के लिख रहे हो, वो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल डिसाइड करेगा, हमें नहीं पता क्या है पावर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x और O2 की पावर y, हम नहीं दिखा सकते, थ्योरेटिकल देख के बाई लुकिंग यू कैन नॉट राइट द पावर,
ठीक है ना। तो रेट की जो वैल्यू फिलहाल ये है और एक्सपेरिमेंट ये दे दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे तुम्हें। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ है NO की कंसंट्रेशन, यहाँ है O2 की कंसंट्रेशन और यहाँ है आपका रेट, जिसे इनिशियल रेट भी कह सकते हैं, नॉर्मल रेट भी कह सकते हैं। तो पहले उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट में वैल्यू है 0.30 और ये भी वैल्यू 0.30 मोलैरिटी। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद पता लगा जो रिएक्शन रेट है ये है 0.096 या है। फिर वो पता क्या कर रहे हैं, बस इन्हीं वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसको कर दिया 60, इसको 30, तो अब वैल्यू आई 0.384। फिर इसको चेंज कर दिया 0.30, इसको 60, अब वैल्यू आई 0.192। फिर इन दोनों को ही चेंज कर दिया 0.60, 0.60, तो यहाँ वैल्यू आई 0.768। ये चार एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी है। इन्हीं चार एक्सपेरिमेंट से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 12 बार, ठीक है ना, 12 बार यही काम करने पड़ेंगे लगातार इन्हीं चार वैल्यू से। किसी किसी में 3 वैल्यू भी है उससे भी निकल जाएगा। तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन एन सोल्व करना है। सबसे पहले पहले एक्सपेरिमेंट को पुट कर दो, इनिशियल रेट रेट की जगह कितना 0.096, के की वैल्यू, एनओ की वैल्यू बताओ 0.30 उसकी पावर एक्स, यहाँ भी 0.30 पावर वाई एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक करो, ऐसे करो। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट 0.384 इजिकल टू के 0.60 की पावर एक्स, 0.30 की पावर वाई, आपके इक्वेशन नंबर टू, चेक करो इसको, यहाँ पे भी ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट 0.192 इजिकल टू के 0.30 की पावर एक्स, 0.60 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर थ्री, तीसरा एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली लास्ट है 0.368 इजिकल टू के 0.60 की पावर एक्स, 0.60 की पावर वाई, एक्सपेरिमेंट नंबर फोर। और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई। लड़कियों से पहला क्वेश्चन, बताओ मैं किसको डिवाइड कर दूं, किस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं जो वाई कैंसिल हो जाए, बोलो भाई। थर्ड और, वेरी गुड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और बताओ एक और है, फर्स्ट और सेकंड को भी देखो डिवाइड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूं तब भी आंसर वही आना है। अच्छा अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तब क्या आंसर कुछ अलग आएगा क्या, तब भी आंसर वही आना है। थ्री को फोर से कर लो तब भी आंसर वही आना है, फोर को थ्री से कर लो तब भी आंसर वही आना है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया और देखो क्या हुआ, 0.384 डिवाइड बाय 0.096 इज इक्वल टू k 0.60 की पावर x, 0.30 की पावर y डिवाइड बाय, फर्स्ट देखो k 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर y डिवाइड कर दिया भाई, k से तो गया k, y से गया y। अब साफ साफ दिख रहा है हमें x की वैल्यू आ सकती है और वो भी आसानी से। एक और चीज मैं पहले ही बता दूं, 12 न्यूमेरिकल करने हैं, 12 बार तुमने ना पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो ये वैल्यू पता कैसे कटेगी, कभी 1 से कटेगी, कभी 2 से कटेगी, कभी 3 से कटेगी, कभी 4 से कटेगी, बस 1, 2, 3, 4। अभी तुम चेक कर लो 4 से कटी है, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 0.60, 0.30 both have power x, दोनों की पावर x है। तो भाई पॉइंट से पॉइंट गया, ये क्या आ गया 2, तो 4 is equal to 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 is equal to 2 की पावर x, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई। तो भाई फाइनली हमारा x की वैल्यू आई है 2, तो ये 2 है जो कि कोफिशिएंट के इक्वल होगी। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, मे और मे नोट में से क्या मे। अब आ जाओ वाई को, लड़कों के पास क्वेश्चन जाता है किसको डिवाइड करें जो एक्स कैंसिल हो जाए, सेकंड फोर्थ वेरी गुड और फर्स्ट थर्ड वेरी गुड। तो मैं काम करता हूँ 3 को फर्स्ट डिवाइड करता हूँ, आप किसी को भी कर सकते हो, बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा। 1 को 3 से करोगे तब भी वही आएगा,
तो थर्ड हो गया आपकी 0.192 डिवाइड बाय 0.096 इज इक्वल टू, थर्ड की वैल्यू होगी 0, यहां पर के 0.30 की पावर x, 0.60 की पावर y डिवाइड बाय के 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर y, बताओ क्या कैंसिल हुआ, x से x गया, k से k गया, ये वैल्यू फिर से नंबरिंग में कटेगी, बोलो किससे गया, 2 से गया, वेरी गुड, 2 इज इक्वल टू 0.60, 0.30 बोथ हैव पावर y, दोनों की वैल्यू कट गई फिर से 2, तो बताओ आंसर क्या है, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो y की वैल्यू क्या आगी, ये 1 है तो ये भी 1 था, तो ये भी क्या है आपका, नहीं। अब फाइनल में इसकी आदत डाल लो कि आपको लिखना होता है एंड में जाके आंसर की रेट लॉ क्या आया, तो रेट लॉ आया रेट इज इक्वल टू के, बोलो एनओ की पावर क्या फाइंड आउट करी हमने, 2 और ओ2 की पावर 1, ये काम करना है तुम्हें 12 बार, आसान था, सीरियसली आसान है, मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो भाई जो न्यूमेरिकल तुमने चैप्टर नंबर सेकंड में कर लिए, थर्ड में कर लिए, उससे बहुत आसान न्यूमेरिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, जो नोट कर पाए कर पाओ, मैं जो सारे के सारे तुम्हारे पास छूटने तो नहीं, यहाँ भी नोट कर लिए, जो रह गया वो नोट्स में से लिख लियो, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहां से ये रब कर रहा हूं, अगला टॉपिक लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट लो के अंदर जो पावर आती है ना इनको जोड़ दो, 2+1 आंसर क्या आया, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो की पावर ही जोड़नी है, मान लो एक्स और वाई होती तो एक्स प्लस वाई, रेट लो की पावर, डेफिनेशन पे जाइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके नोट्स, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आगे समझ में, इन्हीं की पावर को जो ऐड कर देते तो आती है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस तरह से हमारे चार रेट तो हो गए खत्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तुम्हें समझ में आ गया, और अगर आई गया तो कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए हैं
वो एक बार जल्दी से देखो, एनसीईआरटी ओपन करो एग्जांपल 4.3, ये तो है क्या तुक्का लगाया हुआ है, ये रहा एग्जांपल 2.3। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर, बताइए भाई ऑर्डर कैलकुलेट करके आंसर क्या आएगा पहले का? टू। आधे में डेढ़ को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? टू, हाफ एंड थ्री बाय टू। अब बताओ दूसरे में बताइए ऑर्डर क्या आएगा? थ्री बाय टू में माइनस वन यानी हाफ। अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन आए थे हाफ हाफ नंबर के सीबीएसई में, ठीक है ना? तो वन का ये दोनों आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालेंगे, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर। अब रिप्रेजेंटिंग रूल के हिसाब से ये इतने सारे रेट हो चुके हैं, चार रेट हो चुके हैं और पांचवा रेट फाइनल रेट है, उसका नाम है डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे चैप्टर में थोड़ी डिफरेंशिएशन है तो एक डिफरेंस रेट आता है, क्या होता है भाई ये बताइए एक बार। 2NO प्लस O2 विल गिव यू NO2, तो यहाँ पे माइनस का dr/dt बताओ कहाँ लिखते थे? इंस्टेंटेनियस रेट में लिखते थे, याद है? और अगर इंस्टेंटेनियस रेट को किसके बराबर कर दिया आपने? रेट लॉ के बराबर कर दिया। रेट लॉ क्या बनी इसका? NO, पावर बोलो x और पावर बोलो y, अगर इसके बराबर कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट को अगर रेट लॉ के बराबर कर दोगे डिफरेंशियल रेट आ गया। अब ऐसे तो ये टोटल पांच रेट हो गए, एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रेट आया था नंबर वन पे वो क्या आया था, इसी इक्वेशन को लेके बना रहा हूँ मैं पांचों के पांचों रेट। तो पहले पे कौन सा आया था? रेट इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस, क्या माइनस का 1/2 डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा ओ टू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डेल्टा माइनस आया, ठीक है। अगला है जीरो सेकेंड, दूसरा रेट क्या आया था? एवरेज रेट। इसमें क्या सेम प्रोसेस, माइनस का 1/2 एनओ बाय डेल्टा टी माइनस का डेल्टा ओ टू बाय डेल्टा टी प्लस हाफ डेल्टा एनओ टू बाय डेल्टा टी, याद ठीक है भाई। अगला था तीसरे नंबर पे कौन सा? आईएनएसटी इंस्टेंटेनियस रेट, माइनस का हाफ इंस्टेंटेनियस रेट से पहले ना मैं छोटी सी बात एक्स्ट्रा बता दूं तुम्हें ऐड, तो और भी चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मान लो एवरेज रेट 6 दे रखा है तो तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनओ निकाल दोगे ना, क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई 12 हो जाए, ठीक है भाई। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 भी निकाल दोगे, ठीक है, सही चल रहे हो। अभी सुनियो एक बार, अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनओ तुम्हें दे दूं यानी इसकी वैल्यू दे दूं, ये माइनस बी सी में जाएगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, ये माइनस बी यही होता है इसमें, तब इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस, राइट? इसकी वैल्यू अगर मैं बोल दूं 6 तो तुम क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकाल दोगे? वेरी गुड भाई, निकालो फिर, सही जवाब है 3। बोलो सभी को आया सुन में, ये नीट में पूछे गए थे, मैंने आज ही नीट के 10 क्वेश्चन देखे जो रेट वाले टॉपिक पे थे, और 10 के 10 क्वेश्चन पता कैसे आए हुए हैं? ऐसे आए हुए हैं जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा, 10 के 10 बसरते उन्होंने क्या चेंज कर दिया, उन्होंने ये चेंज कर दिया, ए सारे क्वेश्चन में डेल्टा तो वो यूज ही नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं वो? डी यूज कर रहे हैं, लॉजिक वही है, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बता तुम डी क्या है? माइनस का डी टी, ओके, माइनस का डी ओ टू बाई डी टी प्लस का हाफ
डी एन ओ टू बाई डी टी। अब बताना अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी सिर्फ एनओ की वैल्यू इतनी वैल्यू अगर 6 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ओ टू की। और वो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख भी नहीं रहे, वो तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं बताओ माइनस डी ओ टू बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। और आसान कर रहे हैं तो काम क्या होगी भाई, सही जवाब है 3। आज जिनको अभी भी नहीं आया हो ना तो 10 क्वेश्चन नीट के करेंगे हम सिर्फ यही संडे को, अपनी अटेंड कर लिया वो क्लास, ना कर पाओ तो ये रिकॉर्डिंग वाली देख लियो एक बार। जिनको जिनको ना आया हो उसको पूरा एक बार दो बार तीन बार या कोई चीज 10 बार करवाओगे, और तो जिसको ना भी आनी हो वो भी आ जाएगी उसको भी, ठीक है ना। तो संडे को सारे क्वेश्चन इस पे पूछ रखे हैं हमने, ठीक है। समझ आ गया मैं क्या लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नीट के हिसाब से। चौथा रेट जो कि किसने बताया, रेट लॉ ने बताया, बताओ भाई क्या आएगा। रेट इज इक्वल टू क्या होगा इसका, के एन ओ की पावर एक्स ओ टू की पावर वाई। पांचवा रेट ये रहा ऊपर पांचवा रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट और वो ये होता है। फिर से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जल्दी से ढूंढो डिफरेंशियल रेट। ये रहा डिफरेंशियल रेट, अपना पेज देख लेना, वही पेज है टेबल 4.2 के ऊपर ही है, पेज नंबर 101 इस पे देख लेना, ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, इसको देख लो। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, बताओ ये से क्या बोलते हैं, रेट लॉ, रेट लॉ है, इक्वेशन नंबर 4.4a। समझ आ गया मैं यहां तक, अब बताइए उसके जस्ट नीचे देखिए एक बार, माइनस का dr by dt इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 4.4b, इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट। तो नीचे इस लाइन को पढ़िए, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4.4b इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आगे समझ में, तो ये पांच रेट है तुम्हारे और ये हो गए आज सारे खत्म, अब कोई और रेट नहीं आएगा। हाँ इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, डिफरेंशियल रेट पे भी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन पूछा न्यूमेरिकल लिए। डिफरेंशियल रेट को छोड़ के बाकी सब पे न्यूमेरिकल है, डिफरेंशियल रेट पे नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन पूछा था एक बार 2016 में 16-17 में। फाइनली आज का लास्ट टॉपिक और आज का टारगेट हुआ खत्म। लिखो टॉपिक है रेट कांस्टेंट, ये सारा कर दूं मेरा, ये तुम्हारे जो दूसरे नोट्स सेंड हुए ना नोट व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें सब है, ये पांचों के पांचों अच्छी तरह बना रहे हैं। रेट कांस्टेंट यानी के, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट ठीक है भाई। तो ए बी सी डी में अगर मैं रेट लो लिखूं तो रेट के ए की पावर बोलो, वेरी गुड, बी की पावर बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो k को अगर मैं यही रखूं तो रेट के फॉर्म में क्या आ गया, a की पावर x b की पावर y। देखो अगर a की पावर x 1 है b की पावर y 1 है तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, बन गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। वो कह रहा है नीचे अगर दोनों की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज, नोट्स के अंदर मिल गया सभी को रेट कांस्टेंट, कौन से पेज पे है, थर्ड पे है, थर्ड पे देखियो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, उसके बाद ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है गेम ओवर। देख लो भाई एक बार, चेक कर लो, कंफर्म। फाइनली अब लिखो यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। बोर्ड पे देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन है R से P, तो बताओ रेट क्या होगा, रेट लॉ क्या होगा, रेट के R की पावर बोलो इनटू P की पावर बोलो। अच्छा मजाक चल रहा है, तुम भाई कितनी नींद में होगे भाई, रेट लॉ प्रोडक्ट की बात कब से करने लग गया, वो तो बस रिएक्टेंट की बात करता है, वो नहीं देखता प्रोडक्ट को। रेट इक्वल टू के आर की पावर खत्म। अब तुमने वो आर पढ़ गई, वो ए एन बी है ना, एन ओ और ओ टू, तो सोच रहे यहाँ भी कुछ ना कुछ इसके साथ में दर्द हो या जब इसके साथ रखे भाई, रिएक्टेंट यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट आर ही है बस। बोलो अब समझ में आ गया ना समझे। अब आगे देखो, क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ के, तो एसआई यूनिट निकाल के देखियो, रेट डिवाइडेड बाई आर की पावर एक्स। हम तो कभी नहीं निकाल सकते यार, एक्स का पता ही नहीं हमें क्या है, एस यूनिट कैसे निकलेगी। तो इसीलिए वो हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर द पहला क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बोलो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया। तो रेट डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू जीरो और ये हो गया के। अब आर की वैल्यू किसी की जीरो होती है तो वैल्यू क्या होती है, वन। रेट की एस यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अभी रुक जाओ, एक साथ नोट कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अब क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू वन के। बोलो रेट की एस आई यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन की यूनिट बोलो आर की मोल, बहुत बढ़िया। तो मोल से मोल गया, पर लीटर से पर लीटर। परमानेंटली एक बात सच होगी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट फिक्स है, पर सेकंड होगी हमेशा। ठीक है भाई, अब बात आती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ी देर के लिए और बंद कर लो भाई इसको, फोन आने लगे कहां पे हो। सेकंड ऑर्डर रेट डिवाइड बाई आर की पावर क्या होगी, टू के। अब बताना ऐसे रेट क्या होगी, करके रजिस्टर दिखाना अपना, लीटर की पावर एल की पावर नहीं आएगी, ये सही है।
ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, सही है, आंसर आ गया। ये देखियो भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइड बाई मोल पर लीटर का स्क्वायर के, तो भाई मोल का स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, कैंसिल करियो, मोल से एक मोल गया, पर मोल से पर मोल गया, तो क्या रह गया, पर लीटर, पर लीटर से पर लीटर करने के बाद ये रह गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो लीटर पर मोल पर सेकंड एंड दिस इज द एसेंट ऑफ के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आपका, चाहे सीबीएसई और नीट दोनों में आया, सुन लो यार अभी जाना नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई नीट दोनों में आया है, एक बार पहले सीबीएसई का देखते हैं ये कैसे पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल 4.4, चेक करियो, ये पूछ रहे हैं 4.4 में, बताओ इनकी शक्ल देख के ये कौन सा ऑर्डर है, पहले का बताइए कौन सा ऑर्डर है, ये देख के बताया भाई हमने, फर्स्ट फर्स्ट वाला सेकंड ऑर्डर है, बता लग गया, सेकंड वाले को बताइए कौन सा, ये पता लग गया। अब सुनना, जो नीट मेंस वाले बच्चे हैं ना, वो इतना ड्रामा करने लगे तो हो गया उनका क्लियर, वो ऐसा नहीं करते, उनके लिए क्या है, ये ब्रह्मास्त्र चलते हैं, पहला है मोल की पावर 1 माइनस ऑर्डर, सुनते रहिए भाई, लीटर की पावर ऑर्डर माइनस 1 पर सेकंड एंड गेम ओवर, गेम ओवर। भाई तुम्हें किसका निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, ऑर्डर की वैल्यू 1 रखियो, एक बार 1 माइनस 1 0, ऑर्डर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0, आंसर क्या आ गया, पर सेकंड, लो ये आंसर आया, समझे, एक और राउंड, सेकंड ऑर्डर, चलो मोल 1 माइनस सेकंड, लीटर सेकंड माइनस 1 पर सेकंड, बताओ आंसर, बताओ क्या है, पर मोल लीटर पर सेकंड। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, यही बैच और एक मॉर्निंग का बैच ऐसा है जिसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है जो उसमें हो नहीं पाती, टाइम लिमिटेड होता है 5 to 6। अब देखो इसमें उस बैच से थोड़ा सा आगे चलते हैं, उल्टा करते हैं, तुम्हें क्या लगा है, तुम्हें ये सारी यूनिट याद हो जाएंगी और तुम वहां पर जाके लिख दोगे, अच्छा ये सेकंड ऑर्डर है, ऐसे याद होने लगी तो हो गया काम, लीटर पर मोल पर सेकंड, ये दे रखा है, क्या निकालना है, ऑर्डर, पढ़ो ऑर्डर, किसी भी एक को लो, लीटर की पावर क्या है, 1 है, चलो इक्वल कर दो, 1 माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू किसके, लीटर की पावर को, सॉरी लीटर की पावर है ना, तो लीटर की पावर से इक्वल करो, ऑर्डर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 1, निकालो आंसर क्या आएगा ऑर्डर का, तो ये सेकंड ऑर्डर, नीचे देखो लिख लेता सेकंड ऑर्डर ऐसे लिख, दूसरा भी ट्राई करना चाहोगे, ये है वो पूछ रहा है ऑर्डर बताओ, ठीक है भाई ऑर्डर बताते हैं, लीटर है कुछ भाई यहाँ पे है कुछ, लीटर, लीटर की पावर क्या है, जीरो, तो जीरो किसके इक्वल कर दो, ऑर्डर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बताओ ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। आगे समझ लो सबको, लेकिन है ना इससे भी भयंकर अगर ये तो चलो पासुपास्त्र, एक और ब्रह्मास्त्र, वो इससे बहुत आगे भाई, उसकी पहुंच और आगे तक गई है, वो इसमें भी ड्रामा नहीं देखता, इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ना एग्जाम में भूल जाएं, यार मोल के ऊपर था 1 माइनस ऑर्डर,
लीटर के ऊपर था वन माइनस ऑर्डर, और एक भी एक्सचेंज हो गया तो होगा काम खत्म। तो एक ये स्तर देखो भाई, कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस ऑर्डर पर सेकंड खेली खत्म, कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस ऑर्डर पर सेकंड खेल सारा खत्म। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं? मोल पर लीटर, और इसकी पावर वन माइनस ऑर्डर पर सेकंड। चलो लगा के देखो निशाने पे, अभी इसको फर्स्ट ऑर्डर लगा रहा हूं मैं, वन माइनस वन क्या हो गया, पूरे की पावर जीरो, भस्म, आंसर आया पर सेकंड। यो इससे भी तेज तर रहा। सेकंड ऑर्डर लगा के देखो, सेकंड ऑर्डर मोल पर लीटर की पावर वन माइनस में सेकंड ऑर्डर पर सेकंड, चेक करियो भैया आंसर क्या है ऊपर माइनस वन, तो मोल की पावर क्या होगी माइनस वन, इसकी भी माइनस वन थी उसकी भी माइनस वन है, तो बताओ पावर क्या होगी, समझ रहे हो ना, लीटर और यहाँ क्या गया, मैच कर लो ये राम, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये उससे भी तेज तर्रार है, तो तुम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। अच्छा हेलो, घर पे सुनो सुनो, घर पे ना थर्ड ऑर्डर का निकाल के लिए आंसर, अभी निकाल दो थर्ड ऑर्डर, निकल गया थर्ड ऑर्डर, ठीक है, बहुत बढ़िया निकला। Thank you.